कुसमांडा माता को पूजते भक्त चौथवें दिन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू मैंने बॉयल कर लिया हुआ है और गोभी को मैं फ्राई कर ली हूँ और उसके बाद सारे मसाले और टमाटर डाल दी हूँ। प्याज लहसुन तो आजकल डल नहीं रहा है खाने में, तो यहाँ पे मैं बिना प्याज लहसुन के ही आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू भी डाल दी, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है तो आलू डाल दी और आलू को भी अच्छी तरह से थोड़ी देर तक फ्राई करके वो भी भूंज लूँगी और उसके बाद पानी डाल के बना लूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी और मैं सबके लिए लंच के लिए रोटी बना रही थी और आयुषी के लिए दो लोई का मैं आलू के पराठे बना दूँगी। आलू बॉयल की थी तो उसी में से थोड़ा सा आलू मैं रख ली थी उसके लिए आलू के पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे आयुषी के लिए मैं दो आलू के पराठे बना दूँगी आटे, गेहूँ के आटे में। और उसके बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे मड़ुए के आटे में। आलू का जो मैं मसाला बनाई थी वो बच गया है तो मैं मड़ुआ के आटा में उसको भर के बना दूँगी, मड़ुआ के आटे का आलू पराठा। और ये मड़ुआ का आटा ना, जब ज्योतिया की थी मैं तब मंगाई थी तो उस टाइम का ये रह गया था, क्योंकि मैं आधा किलो लेके आई थी। मुझे अच्छा लगता है मड़ुआ के आटे का हलवा बना के खा लो या फिर ये रोटी या पराठा कुछ भी बना के खा लो, सब अच्छा लगता है मुझे, तो इसीलिए मैं बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं मड़ुआ के आटे में आलू का मसाला यहाँ पे भर रही हूँ और मैं इसी को बना लूँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट में। और दो बनाई थी मैं, तो एक तो बहुत ही अच्छा बन गया था जो मैं अभी आगे आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँगी, और दूसरा मतलब पहली बार में तो अच्छा बन गया। जैसे ही मैं उसको पलटी दूसरे साइड को ना, वो पूरा टूट गया, इतने छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए जैसे आलू की टिक्की बना रखी हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये पहला वाला मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा बन गया था, ये बिल्कुल भी नहीं फटा था। और यहाँ पे बन गया है मेरा नाश्ता। उसके बाद मैं नहाने धोने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ सीधे मंदिर में पूजा करने के लिए। और रोज़ की तरह बाबू मेरे साथ बैठा है, ये रोज़ ही बैठे रहता है जब भी मैं पूजा करने आती हूँ। कुछ भी मैं करती हूँ, किचन में काम करती हूँ तो ये वहाँ भी मेरे पीछे पीछे रहता है, जहाँ भी मैं जाती हूँ पीछे पीछे ही रहता है, पूजा करने भी आती हूँ तो आ जाता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है शुरू और मैं पूजा कर रही हूँ और आज है चौथा दिन। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और चलिए यहाँ पे पूजा में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान को जल देने, सूर्य भगवान को जल दे के और उसके बाद मैं पूजा और आरती और शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल दे दी हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चालीसा का पाठ करने। तो यहाँ पे मैं चालीसा पाठ कर रही हूँ, इसके बाद मैं कवच का पाठ करूँगी, फिर मैं आरती कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। और आजकल आप लोगों का ये ब्लॉग अगर जैसे नवरात्रों वाला ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नवरात्रों का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बाबू परेशान कर रहा था, मैं पाठ कर रही थी तो ये ऐसे ही कर देता है बीच बीच में, तो इसको लेके ही करना पड़ता है। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है, तो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ आरती की तैयारी। तो यहाँ पे मैं आरती के लिए अलग से दिया जलाती हूँ, जो दिया मैं मेन जलाती हूँ मैं माता रानी के आगे रख देती हूँ, उसे नहीं उठाती हूँ मैं आरती के लिए, आरती के लिए मैं दूसरा दिया जलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी आरती भी शुरू हो गई है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपनी आरती। और आरती करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे माता रानी को मैं धूप दिखा दूँगी और धूप दिखाने के बाद यहाँ पे प्रणाम कर लूँगी। देखिए मैं सर पर टक के प्रणाम कर रही हूँ तो बाबू भी कर रहे हैं, ये सेम टू सेम ऐसा ही करता है। यहाँ पे आचमन कर लेते हैं और यहाँ पे हो गई मेरी पूजा समाप्त। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है चौथा दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ले लीजिए आप लोग कुछ मंदा माता से, और मेरी आज की पूजा हो गई है कुछ इस तरह से। और आप लोगों की पूजा हुई कि नहीं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में कम से कम जय माता की तो ज़रूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मेरी पूजा हो गई है, दूध वाले भैया आ गए हैं तो मैं ज़रा दूध ले लूँ और उसके बाद मैं बाबू को नाश्ता वास्ता करा लूँ। देखिए ये है कुछ मेरी आज की पूजा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर से ही ब्लॉग स्टार्ट करना, इसलिए मैं पूजा करते के साथ मंदिर से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। पूजा से चल रही हूँ, मैं दूध ले लूँ तो यहाँ पर मैं दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ, मम्मी चढ़ा दी हूँ मैं चाय। और जा रही हूँ मैं वंश को पहले खाना खिला दूँ, क्योंकि आज वो खाया नहीं है, उस टाइम खिला रही थी तो उसका मन नहीं किया पहले, तो फिर मैं नहा के पूजा वगैरह करने लगी। तो अब मैं जा रही हूँ उसको खाना खिलाने। तो फ्रेंड्स आप लोग भी लीजिए, खा लीजिए मंडुए के आटा का आलू पराठा। और मैं भी जा रही हूँ अभी यही नाश्ता करने, आज मैं यही बनाई हूँ अपने लिए, बाकी सबके लिए रोटी बनाई थी। आयुषी के लिए गेहूँ के आटे का आलू का पराठा बना के दी हूँ उसको लंच में,
और मैं अपने लिए मरुए के आटे का, तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ मेरा बाबू भी खा रहा है और मैं भी खा रही। उसके बाद फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम के टाइम, मतलब शाम भी नहीं हो रहा, अभी 3:30 हो रहा था। आयुषी को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ, उसको खाना देती हूँ, वो खा रही और मैं भी खाना खा ली हूँ। और उसके बाद ये जो भी बर्तन बचे हुए थे मैं सोची ये सारे बर्तन को निपटा देती हूँ, और दूसरे साइड को मैं कपड़े भी आज धोने के लिए लगा दी हूँ। तो उधर मैं मशीन चला के और तब आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स बर्तन वगैरह धो के मैंने अपने किचन को पूरी तरह से कर लिया है क्लीन, और किचन मेरा एकदम हो गया साफ़ सुथरा, मुझे ऐसा ही किचन अच्छा लगता है। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे एक राउंड कपड़े में लग गया था, तो मैं अभी इसको दूसरा राउंड भी लगाऊंगी, 2 राउंड धो दूंगी तो साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे ये ना तीज कह रही हूँ, मैं नवरात्रि के पहले वाले दिन मैं ये साड़ी और सूट वगैरह पहनी थी, आयुषी के फ्रॉक, तो ये सब नए कपड़े हैं, मशीन में नहीं धो सकती हूँ, तो इनको मैंने हाथों से धोया था, तो इसको अभी ये सूख गए हैं, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ, कपड़े फोल्ड करने के बाद यहाँ कपड़े धुल गए हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि जो पानी गंदा होता है ना उसको गिरा के और उसमें ही मैं ठंडा मतलब साफ़ पानी भर के और तब ड्राई होने के लिए सीधे ड्रायर में डाल देती हूँ, टब में ही खंगाल के मशीन के। और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू जग गया है और ये सो के जगता है तो बहुत ही क्यूट लगता है, सारे ही बच्चे जब सो के जगे ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। उसके बाद तो इनकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है। और उसके बाद अभी हो गया है शाम का टाइम, तो मैं चढ़ा दी हूँ चाय, और एक साइड में चाय चढ़ा दी हूँ और दूसरे साइड को मैं यहाँ पे आलू की भुजिया छोंक दी हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए ये है मेरी चाय, और आप लोग भी आ लीजिए मेरे साथ चाय पी लेने के लिए। और यहाँ पे अभी चाय गर्म है इसलिए मैं सोची कि जब तक चाय ठंडी होगी तभी तो पीऊँगी, तो इतने देर में मैं आटा लगा के रख देती हूँ, तो यहाँ पे मैं आटा भी लगा के रख दी हूँ। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी देखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए मेरी करारी करारी सी भुजिया बन के हो गई है तैयार। और उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर बैठ गई थी, और आयुषी उसके बाद बाबू को लेके गई है खेलने, तो वो खेलने गई है लेके बाबू को, तो बाबू भी चला गया, तो मैं सोची इतने देर में मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि जब वो रहता है ना तो परेशान करता है, फिर यही बोलता है कि बैठूँगा और नीचे से फिर पैर खींचता है कि मुझे भी बैठा लो, परेशान करता है, इसलिए मैं वो गया है खेलने, तो उसी टाइम पर मैं रोटी बना के रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, जब तक वो खेल के आएगा तो मेरा खाना बन जाएगा, रोटी वगैरह बना के मैं बर्तन भी धो लूँगी और किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया है संध्या का टाइम, तो मैं यहाँ पे संध्या की आरती करने के लिए आ गई हूँ, शाम वाली आरती जो होती है माता रानी की, तो यहाँ पे मैं फटाफट से आरती कर लूँगी। और फ्रेंड्स यही छोटा सा है आज का मेरा ये ब्लॉग, आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, नवरात्रि का day 5 वाला ब्लॉग। और बस जय माता दी फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye-bye.